रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो लक्ष्य 2021 बैच UPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए लेके हम लोग आ गए हैं। तो आज से यानी 24/7/2021 से कंटिन्यूसली हम लोग आपको रोज़ाना, ये यूट्यूब का हमारा फ्री इनिशिएटिव होगा, इसके अलावा पेड बैच भी हमारे कई चल रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के अंदर हम डेली आप लोगों को स्टडी टारगेट्स देंगे और ये टारगेट्स स्पेसिफिकली हैं हमारे निकालो प्रीलिम्स 2021 बैच के लिए। बट ये हमने फ्री इनिशिएटिव इसलिए रख लिया है ताकि जितने भी लोग हैं वो इस फ्री इनिशिएटिव का लाभ उठा पाएँ और डेली बेसिस पे उनको स्पेसिफिकली टारगेट्स तो वेल डिफाइंड वे में मिल जाएँ। तो आज से इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट हिस्ट्री, ये तीन टॉपिक्स हैं जो आने वाले 5-7 दिनों में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक टाइम टेबल आप लोगों को बता दूं, जब मैं स्लॉट वन की बात कर रहा हूँगा तो वो स्लॉट वन होगा 3 से लेके 6 बजे के बीच का, यानी कि सुबह का ये टाइम टेबल है। बाकी टाइम टेबल आप देख सकते हैं IAS का वैज्ञानिक टाइम टेबल करके हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उसे देख लीजिए। तो शिफ्ट 2 की जब मैं बात करता हूँ तो वो 7 से लेके 10 की बात होती है, शिफ्ट 3 की जब मैं बात करता हूँ 10:30 से लेके 2 बजे की शिफ्ट होती है, शिफ्ट 4 की जब भी मैं आगे बात करूँगा वो शिफ्ट होती है 3 से 6 बजे की शाम को, और उसके बाद रिवीजन का 1 घंटा तो अलग ही है। तो आइए अब बात करते हैं शिफ्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना है एंशियंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसकी PDF मैं आपको पूरी टेलीग्राम पे दे दूंगा, बट बेटर यह रहेगा कि स्टडी टारगेट्स को आप खुद नोट डाउन करें पेन और पेपर लेकर। तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसके अंदर पीरियडाइजेशन ऑफ प्री हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सभी हम बात करेंगे, चैल्कोलिथिक एज, आयरन एज, क्या इम्पैक्ट था आयरन के आने का, फिर पेस्टोरल फार्मिंग कम्युनिटीज, नियोलिथिक एज, ये सभी चीज़ें, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी चीज़ें इस पर हम लोगों को बात कर लेनी है। इसके बाद देखिए वैदिक सोसाइटी की पूरे जहाँ से आर्यंस का एडवेंट होता है और उसके क्या क्या फीचर थे, वैदिक टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया, हिस्ट्री को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और बाकी जितने भी टॉपिक्स थे, स्पेसिफिकली टॉपिकल एनालिसिस है ताकि टॉपिक के अंदर के सब टॉपिक्स आप लोग ना छोड़ें। अब मॉडर्न एज, प्री मॉडर्न एज में स्पेसिफिकली आपको जो महाजनपद फॉर्मेशन था, स्टेट्स कैसे बनी, 16 महाजनपद कौन कौन सी थी, कौन सी वज्जी थी, कौन सी वो थी, नंद डायनेस्टी का कैसे उद्गम हुआ, हाउ नंद डायनेस्टी वॉज फॉर्म, शिशुनाग डायनेस्टी कैसे बनी, इसके बाद स्पेसिफिकली हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक्स आपको कवर करने कैसे हैं। स्टोन एज की जब हम बात करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उनके ऑक्यूपेशन, टूल, लाइफस्टाइल, पॉटरी आदि आदि जितनी भी चीज़ें हैं, ये इसका प्राइमरी सोर्स आपका ओल्ड NCERT क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 और 6 से आप कवर कर लेंगे। हिस्ट्री की एंशियंट NCERT पकड़नी है और 5 और 6 चैप्टर आपको कल कवर करने हैं। इसके अलावा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो तमिलनाडु बोर्ड की है, उस हिस्ट्री की बुक का जो है क्लास 11th के स्पेसिफिक चैप्टर्स थीम ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1, ये आपको स्पेसिफिकली कवर करने हैं जिसमें टॉपिक्स आपको गिवन है यहाँ पर। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करें, जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी जहाँ पर इसे बोला जाता है, तो इसके अंदर ओरिजिन, एक्सटेंट, जो भी सब टॉपिक्स हमने पीछे डिस्कस किए थे, तो इसके लिए प्राइमरी सोर्स आपका क्या रहने वाला है, क्लास 11th की NCERT का 7 चैप्टर। इसके अलावा थीम्स ऑफ इंडियन, ये मतलब सेकेंडरी सोर्स के तौर पे आपको हमेशा तमिलनाडु NCERT बुक्स को रेफ़र करना है, जिनकी सभी PDF हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दे रहे हैं, तो वहाँ से आप इन्हें देख लीजिएगा। अब अर्ली वैदिक एज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एडवेंट ऑफ आर्यन हो जाता है, किंगशिप बन जाती है, मतलब फैमिली वाइज जो है यहाँ पे राजसत्ता जो है बटने लग जाती है, पूरी हायरार्कियल वे में जो है पूरी हेरिडिटरी किंगशिप हो जाती है। तो इसके लिए प्राइमरी सोर्स 11th की NCERT का 8th चैप्टर, यानी कि आपको कुल मिला के कौन कौन से चैप्टर कर लेने हैं, आपको कर लेने हैं 5, 6, 7 और 8, ये 4 चैप्टर आपको NCERT के कल को करने हैं। कौन सी, आपको 11th क्लास की NCERT के ये 4 चैप्टर कल को कवर करने हैं। इसके अलावा लेटर वैदिक एज की जब भी मैं बात करूँगा तो क्लास 11th की 9th और 25th चैप्टर। इसके अलावा प्राइमरी सोर्स के तौर पे जब भी महाजनपद वाला जो टॉपिक है उसके लिए 10th, 11th, 12th और 13th,
और मॉरियन एज की जब बात करेंगे, क्लास 11th की 14th और 15th चैप्टर आपको कवर अप करना है, और पोस्ट मॉरियन एज जो कि कल का टॉपिक रहेगा, इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, तो आपको यहाँ तक कवर करना है। तो कुल मिला के आपको कितने टॉप वो करने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 10th, 11th, 12th और 14, 15, यानी कि 8 से 9 चैप्टर आपको हिस्ट्री के करने हैं। इसके अलावा कल्चर पे आ जाते हैं, तो कल्चर पे आपको विजुअल आर्ट करना है, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, ये सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। तो इसके कहाँ से करने हैं ये सोर्स वाइज इसका डिवीज़न देख लेते हैं। तो इंडियन आर्क एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करें तो इसके सब टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है, IBC, उसके एसोसिएटेड साइट्स, सिग्निफिकेंस और ये सब चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट साथ में ले लीजिएगा। तो एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री की क्लास 11 की NCERT आपको देखनी है, नितिन सिंघानिया का चैप्टर 1 जो है उसको आपको देखना है, हिंदू का अगर मेट्रो प्लस वाला वो पेज है वो स्पेसिफिकली आप देख लीजिएगा। इंडिया की पेंटिंग्स के बारे में जब भी बात होगी तो यहाँ पे एंशंट और मेडिवल की ओल्ड NCERT स्पेसिफिकली आपको रेफ़र करनी पड़ेगी। जैसे आपने पीछे एंशंट की रेफ़र करी थी, वैसे ही मेडिवल की सतीश चंद्रा है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स आपको रेफ़र करने हैं। तो इसके बाद आर्ट एंड कल्चर का ही पॉटरी और ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, जिसमें OCP पॉटरी, ब्लैक वेयर पॉटरी, प्रिंटेड ग्रे वेयर, उसके बाद म्यूजिक इन इंडिया, ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, डांस इन इंडिया कवर करना है, मार्शल आर्ट्स इन इंडिया और इंडियन थिएटर, ये आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। तो देखिए ये जो मैं बात कर रहा था ये था आपकी शिफ्ट 2 के टारगेट्स, ठीक है। जब शिफ्ट 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको इकोनॉमी कवर अप करनी है। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है तो हमने 2 ही टॉपिक लिए हुए हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग। तो प्लानिंग और इकोनॉमी के सब टॉपिक्स हैं, जैसे प्री इंडस्ट्रियल एज, प्री इंडिपेंडेंस एज में क्या थी इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी कैसे आई, तो इसको आप NCERT से ही पढ़िएगा। NCERT को जैसे आप पहला चैप्टर खोलते हैं तो यही पूरी NCERT का ही देखिए सब कैटेगराइजेशन है, टॉपिक वाइज लिखिए। मतलब ये टॉपिक आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप विजुअलाइज कर सकें कि आगे आने वाला टॉपिक कैसे करना है। तो प्लानिंग की जब भी हम बात करेंगे तो प्लानिंग आपको करनी है क्लास 11 की NCERT के चैप्टर 2 और 3 से, और बाकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री आज के टॉपिक नहीं है, तो इनको आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग जो है इंक्लूड कर लेंगे। तो अब शिफ्ट 4 पे आ जाते हैं, जो शिफ्ट 4 की बात मैंने पीछे की थी, तो वो शिफ्ट 4 जो शाम की शिफ्ट है उसमें हमको 1 घंटा CSET को देना है। RMB की करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए शाम तक आ जाएगी, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और समीक्षा सीरीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो इकोनॉमी का है, चाहे हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, वो आ जाएगा। पॉलिटी की कुछ स्पेसिफिक वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उनको देख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि आप IAS के YouTube चैनल पे समीक्षा सीरीज़ आ रही है, डेली MCQ एनालिसिस आ रहा है, मैपिंग की सीरीज़ आ रही है, और ज्योग्राफी ऑप्शनल, एडिटोरियल डिस्कशन, एथिक्स की क्लासेज जल्दी ही आ रही हैं, तो बने रहिए। और प्रीलिम्स का मेंटरशिप बैच ये लगभग अगले 70 दिनों में आप लोगों के लिए चालू होगा, लास्ट 70 डेज, बट क्योंकि 78 डेज बचे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना 78th डे से ही, या 8 दिन भी क्यों वेस्ट किए जाएं, तो इन 8 डे को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं आगामी 70 डे प्लान में। तो आप लोग जो है और उसे 8 दिन आगे चलेंगे 70 डे प्लान में। तो अब देखिए इसके साथ साथ मेंस की एक चीज़ रहती है कि मेंस लोग नहीं कर पाते हैं, तो मात्र 100 रुपये का मंथली सब्सक्रिप्शन है, निवेदिता मैम आपको डेली गाइड करती हैं, नहीं तो 499 रुपीज़ हमने लास्ट ईयर रखा था। तो जो भी लोग स्पेशल डिस्काउंट में चाहते हैं तो 100 सीट्स में हम लोग जो है अवेल करेंगे। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके रजिस्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT का अगर MCQ कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। करंट अफेयर्स के लिए पहले हमने सोचा था कि पेड कोर्स लॉन्च करेंगे, बट बिल्कुल फ्री आरंभ करंट अफेयर्स सीरीज़ हम आपके लिए ला चुके हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसका भी स्पेसिफिक एक बैच बना दिया है कि कौन सी क्लासेस कब होगी। तो जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको स्पेशल अपडेट्स मिलते रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड, मुझे लगता है कि आरंभ सीरीज़ के साथ साथ और फ्री इनिशिएटिव आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वीडियो पर कम से कम 7,000 व्यूज़ और 10,000 लाइक्स हों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।